तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो गाइस, मस्त आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आपका हमारी इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है। बहुत टाइम के बाद आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे थ्रेशहोल्ड अकाउंट है ना, यूएस कंट्री का थ्रेशहोल्ड अकाउंट आप कैसे बना सकते हो, ठीक है, बिना किसी पेमेंट किए हुए गूगल को या बिना किसी कार्ड के अपने लगाए हुए आप जो है लाखों व्यूज पा सकते हो घर बैठे हुए, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल मेथड है, ठीक है। सिंपली गूगल के ऊपर जाना है, गूगल के ऊपर जाके आपको जो है गूगल एडवर्ड सर्च कर लेना है। यहाँ पे उनकी पहली वेबसाइट के ऊपर आपको जो है पहले वेबसाइट आ रही है, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे यहाँ पे डैशबोर्ड साइड आप अपने मोबाइल में हो या अपने लैपटॉप में हो तो यहाँ से आपको डैशबोर्ड साइड अपनी ओपन कर लेंगे, ठीक है। इसमें लॉगिन कैसे करना है, इसमें नया अकाउंट कैसे बनाना है, उसके लिए स्पेशल एक वीडियो हम बना के रखे हुए हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आई बटन पर भी उसका लिंक है, आप उस पर भी क्लिक करके आप देख सकते हो, ठीक है। सिंपली आपको साइन इन कर लेना है, अपने जो आपकी जीमेल है उससे साइन इन कर लेना है। सो देखिए गाइस, थ्रेशहोल्ड अकाउंट कैसे बनाना है आपको, ठीक है। आपको साइन इन पे सॉरी क्लिक नहीं करना है, आपको जो है नया अकाउंट बनाना है। देखिए हमने पहले से बहुत सारे अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करके रखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको सिंपली जो है यहाँ पे दिख रहा होगा स्विच अकाउंट गूगल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे स्विच गूगल अकाउंट और न्यू गूगल अकाउंट एड अकाउंट आ रहा है, दो चीज़ें आ रही है, ठीक है। आपको जो है न्यू गूगल एड अकाउंट पे क्लिक करना है, ठीक है। और कुछ लोडिंग ले रहा है तो कुछ इस तरह का जो है आपके सामने जो है डैशबोर्ड साइड ओपन होगी, ठीक है। जैसे कि इस तरह की कुछ इनकी डैशबोर्ड साइड ओपन होगी, बिजनेस नेम वगैरह जो है ये बोलेगा कि यहाँ पे अपना बिजनेस नेम वगैरह यहाँ पे लिखिए। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, लेट्स गेट स्टार्टेड बैट इज योर बिजनेस नेम, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, इसको स्किप कर देना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एज योर ए प्रोफेशनल मेकर स्विच टू एक्सपर्ट मोड, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। स्विच टू एक्सपर्ट मोड पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है ये आपके लिए कुछ इस तरह का इंटरफेस ले आएगा आपके सामने, इस तरह की कुछ जो है आपके सामने आएगा कि बोलेगा कि भाई आप ऐड लगा लो अपनी, है ना। बट आपको यहाँ पे ध्यान देना कि आपको ऐड बिल्कुल नहीं लगानी है पहले, ठीक है। आपको जो है सिंपली नीचे आना है, ठीक है, आपको नीचे आना, ऐड नहीं लगानी। यहाँ पे आ रहा है क्रिएट, यहाँ पे जो ये आ रहा है ना, यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट विदाउट ए कंपनी, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है थ्रेशहोल्ड अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको कंट्री जो है कंट्री यूएस से क्लिक इंडिया सेलेक्ट है, तो यहाँ पे आपको कंट्री यूएस सेलेक्ट कर रही है, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं यूएस सेलेक्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको यूनाइटेड स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे टाइम जोन जो है इसको कुछ नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे करेंसी जो है इंडियन रुपीज़ है, तो इसको भी आपको यूनाइटेड स्टेट में ही जो है रखना है, ठीक है। अगर आपकी कंट्री जो है यूनाइटेड स्टेट है तो आपको यहाँ पे जो है अपना रुपीज़ है जो यहाँ पे करेंसी है वो भी आपको वही चीज़ रखनी होगी, ठीक है। यूएस डॉलर में आपको रखना होगा। यहाँ पे सबमिट कर देना आपको, ठीक है। हमने सबमिट कर दिया और देखिए हमारा अकाउंट रेडी हो चुका है, थ्रेशहोल्ड अकाउंट रेडी हो चुका है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ये कर सकते हो, यहाँ पे हमारा अकाउंट जो है रेडी हो चुका है, एक्सप्लोर योर अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड देखिए आपके सामने जो है थ्रेशहोल्ड अकाउंट बनकर रेडी हो चुका है, ठीक है। एंड इसमें जो आपको बिलिंग कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये दिस इज ए थ्रेशहोल्ड अकाउंट, ठीक है। इसको हम थ्रेशहोल्ड अकाउंट बोलते हैं, जिसमें आपको 300 जो है कि आपको तो आपको यहाँ पे टूल्स एंड सेटिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पे बिलिंग के ऊपर आपको क्लिक करना है, समरी पेपर क्लिक करना है। समरी पेपर जब भी आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ आएगा कि वो यूनाइटेड स्टेट बोलेगा और यहाँ पे कुछ इस तरह का खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरह का खुल जाएगा। हमने जो है अपना वीज़ा कार्ड पहले से ऑलरेडी कलेक्ट करके रखा हुआ है, बट आपको अपने वीज़ा कार्ड से पेमेंट नहीं करनी है तो यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे क्लिक करना और क्रिएट न्यू पेमेंट प्रोफाइल पे क्लिक कर देना। क्रिएट न्यू पेमेंट प्रोफाइल पे जब भी आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो आपको ये जो ऊपर वाला इसको ऐसे ही रखने देना, ठीक है। इंडिविजुअल पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। इंडिविजुअल पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको कार्ड नंबर कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। जैसे कि कार्ड नंबर होते हैं उसको कैसे क्रिएट करना है, तो उसके लिए आपको एक वेबसाइट का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप कार्ड नंबर अपना फेक कार्ड नंबर आप बना सकते हो, ठीक है। और इसमें आप टाइप कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको वेबसाइट दिखाता हूँ। सो गाइस, कैसे आपको जो है कार्ड फेक कार्ड नंबर बनाना है, कैसे CVV रखना है उसका ना, उसके लिए हम वेबसाइट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसके लिए स्पेशल वीडियो बनाई जाएगी, ठीक है। जल्दी ही उसको उस वीडियो को आपको दे देंगे। बेल आइकन को दबा के रखिए, ठीक है, घंटे को दबा के रखिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि उस वीडियो या अदर वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले। थैंक यू।